करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों को अक्सर ऑड रेडियो सर्कस दिख जाते हैं। शुरुआत में तो वैज्ञानिक इनकी मौजूदगी को लेकर परेशान थे, क्योंकि स्पेस में जाती ही रोशनी की तरंगे अचानक से घूम जाती थीं, जबकि उसके रास्ते में कुछ दिखता भी नहीं था, यानी स्पेस में कुछ है लेकिन दिख नहीं रहा है। तब वैज्ञानिकों ने एक ORC पर फोकस किया, इसका नाम है ORC-1C, ऊपर गोलाकार अंदर जटिल प्रणाली का चक्र। वैज्ञानिकों ने जब रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया तब ये गोला पूरी तरह से सामने आया। जांच में पता चला कि ये तेजी से घूम रहे आवेशित इलेक्ट्रॉन से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से बना है, जिसके अंदर एक जटिल प्रणाली है और ढांचा होता है। ऊपर से ये गोलाकार दिखता है, लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा बदलाव होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता। ज्यादा समय नहीं दिखता पर अपनी जगह पर मौजूद होता है। इंटर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर डेटा इंटेंसिव एस्ट्रोनॉमी में काम करने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर जॉर्डन कोलियर ने अपने बयान में कहा कि लोग चाहते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन को सही तरीके से दिखाएं। हमने इसे दिखाने के लिए रेडियो टेलीस्कोप की मदद ली, तब जाकर इसकी आकृति पता चली, नहीं तो ये रहस्यमयी भूतिया चीज बनी रहती। हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। कैसे बनते हैं और रेडियो सर्कल्स? और रेडियो सर्कल के बनने की तीन संभावित वजह हो सकती हैं। पहली ये कि इनका निर्माण किसी अंडाकार आकाशगंगा के बीच दो अत्यधिक विशालकाय ब्लैक होल्स के टकराने की वजह से हुआ हो, जो कि ORC-IC के अंदर ही रहे हों। दूसरी संभावना ये है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल पहले कभी एक्टिव जेट स्ट्रीम छोड़ रहे हों, इसी जेट के खत्म होने के समय ये बची हुई स्ट्रीम में से बने हों। तीसरी संभावना ये है कि गैलेक्सी के अंदर किसी तारे का विस्फोट हुआ हो, कई तारे एक साथ बन रहे हों, जिसकी वजह से आवेशिक कणों की ताकतवर आंधी का निर्माण हुआ हो। डॉक्टर जॉर्डन कोलियर कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये सभी संभावनाएं ORC-IC के निर्माण में एकदम फिट बैठती हों, लेकिन इसमें तारों के टूटने वाली तीसरी वाली संभावना ज्यादा सटीक लगती है। इस स्टडी के प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर रे नॉरिस कहते हैं कि ORC-1C पर एक धुंधले रेडियो उत्सर्जन का गोला है, जिसने एक आकाश गंगा को कवर करके रखा हुआ था, जिसके अंदर एक सक्रिय ब्लैक होल था, वो भी उसके केंद्र में, लेकिन ये कैसे बना इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमने इसकी जांच स्क्वायर किलोमीटर एरा ऑस्ट्रेलिया मीरकैट टेलीस्कोप दक्षिण अफ्रीका की मदद से की है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।